So this is the first video for anatomy classes. So before starting the human anatomy and physiology, what is the brief meaning of anatomy and physiology? Anatomy का मतलब क्या होता है? देखो anatomy का मतलब जो होता है हिंदी क्या बोलते हैं प्रकार की, ठीक है? किसी भी बॉडी के पार्ट्स या बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या लोकेशन है, ठीक है, क्या फिजियोलॉजी है, कैसे काम करता है, ये कंबाइंडली हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अगर किसी ऑर्गन के बारे में हमें देखो ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछा जाता है कि राइट ए वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ दिस ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल जैसे किडनी पूछी है, कैसे लिखेंगे उसको, लिखने का सही तरीके क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी मैं उस पर आता हूँ, क्या तरीका होता है, कैसे लिखा जाता है, वो हम लोग ये सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है एनाटॉमी, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस पता है क्या होता है, किसी वस्तु के बारे में सुसंगति सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विज्ञान क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस जो कि आधारभूत पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी फंक्शन के आधारभूत पार्ट या बॉडी के पार्ट्स के बारे में या बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब बेसिकली अब हम लोग उसको तोड़ के बोलते हैं। देखो इस नोट्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है, आप जो इतना डिटेल में लिखा है इस पे मत जाइएगा, ठीक है। आप बस ये समझिएगा कि एना मीन्स क्या होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एना, एना मीन्स आप, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कटिंग। सो एना मीन्स अप, टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो दिस इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। किसी भी बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या रिलेशनशिप है अगर ऑर्गन से या बॉडी से, तो क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। सबसे पहले क्या किया गया था, कब स्टडी हुई थी, सबसे पहले क्या किया गया था, इसको हम लोग कटिंग के द्वारा स्टडी किए थे, ठीक है, और बॉडी के पार्ट को क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरह से कट किया गया था, ठीक है। इसके बाद इमेजिंग टेक्निक, बहुत सारी इमेजिंग टेक्निक जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद इसका जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब खोजा गया तो सेल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाई, ठीक है। सेल्स के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में से पढ़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, और इससे थोड़ा एनाटॉमिकल नॉलेज में एडवांसमेंट हुआ है जाके, ठीक है। तो इसके अलावा जो यही सारी चीज़ें हैं, और फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है कि बॉडी का जो जो नेचर है तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि बॉडी का पार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, हाउ बॉडी का पार्ट, हाउ बॉडी पार्ट वर्क, ठीक। तो बेसिक बेसिक चीज में होता है एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, एनाटॉमी इज द, टॉमी मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो बॉडी को कट करके पढ़ेंगे मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉडी के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, एनाटॉमी। इसके अलावा बॉडी का फंक्शन क्या है या नेचर क्या है, इसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी, ठीक है। बॉडी का पार्ट या बॉडी पार्ट, बॉडी पूरा टोटल बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका बोल रहे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि आपका बाकी ये जो चीज़ें हैं कि ये थोड़ा आप लोग पढ़ना, और जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, और उससे
जो और चीज़ें हैं अभी मैं देखूंगा कि कितने कितने पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, कितने टाइप के एनाटॉमिकल स्टडी किया जाता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको हम जूम कर लेते थोड़ा। जैसे बहुत सारी एनाटॉमी की ब्रांच है, साइंस के बहुत सारे ब्रांच है, एनाटॉमी के भी अपने खुद के ब्रांच हैं। इसमें आपको जैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जैसे जब जूम कर लेता हूँ, ठीक सो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो बनता है ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है, तो उसके अंदर स्टडी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो की परिभाषा क्या होती है कि पहले के एक हफ्ते के जो एम्ब्रियो आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। फिर यहीं से प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है, एक और ओवम कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, और 8 वीक तक क्या कहलाता है वो फर्टिलाइज जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है? नेक्स्ट चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंटल बॉडी बायोलॉजी क्या होती है? डेवलपमेंट बायोलॉजी जो होती है वो कंप्लीट डेवलपमेंट को बताती है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक का पूरा वो डेवलपमेंटल स्टेज तक वो एक्सप्लेन कर देंगे। इस डिपार्टमेंट के जो काम करते हैं बता सकते हैं कि आपका ये चीज़ें ऐसे ऐसे चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड एरिया है। सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी मीन्स सेलुलर स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेलुलर सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गनल्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, फीचर्स क्या है, ठीक है। हिस्टोलॉजी मीन्स हिस्टोलॉजी क्या होता है? टिश्यू, हिस्टो माने होता है टिश्यू, ठीक है। पैथोलॉजी मीन्स डिस्कर्स या स्टडी, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा तो दिखेगा नहीं, टिश्यू का वो बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको माइक्रोस्कोप से करेंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी बोलते हैं। ग्रास एनाटॉमी, ग्रास एनाटॉमी बाहर से जो दिखाई देते थे आप उसी का बोलते हैं ग्रास एनाटॉमी। जैसे आदमी का स्ट्रक्चर बनाना तो आप लेवल डायग्राम आप क्या करेंगे, उसको ड्रा कर देंगे। सिस्टेमिक एनाटॉमी, ये क्या होता है? स्पेसिफिक सिस्टम का क्या कर देंगे, बॉडी के जो स्पेसिफिक सिस्टम है उसको पूरा वेल लेवल डायग्राम से स्टडी कर देंगे, ठीक है। तो इससे माइक्रोस्कोपिक में थोड़ा डिटेल हो जाएगा, सिस्टमिक पूरा सिस्टमिक की तरीके से आपकी स्टडी होगी, ठीक है। रीजनल माने पर्टिकुलर रीजन में हम स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक रीजन जैसे थोरेसिक कैविटी की स्टडी करनी है, ठीक है, या हेड या चेस्ट, हेड में तो क्रैनियल कैविटी आ जाएगा, ठीक है, क्रैनियल कैविटी की स्टडी करना तो रीजनल हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया जो अब बात करते हैं हम लोग
मर करते हैं इसके अलावा इमेजिंग एनाटॉमिकल इमेज एमआरआई, ठीक है, एमआरआई से स्टडी कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, तो उसके बाद देखा क्या चेंजेस हुए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं ब्रेन में, अगर कोई ट्यूमर है तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाई देगा, नॉर्मल से कंपेयर करेंगे और नॉर्मल से तुरंत पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है और प्रोबेबल क्या डिजीज है। अगर डिजीज होगी तो उसका जाहिर बात है कोई ना कोई सिम्टम बॉडी के ऊपर शो होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं इमेजिंग एनाटॉमी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो इमेजिंग एनाटॉमी के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। पैथोलॉजी माने क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीजेस, पैथो पैथोजन्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिजीज। डिजीज होगी कहीं सी बात है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगे। जैसे ही मान लीजिए आपका पैर में दर्द हो रहा है, जाहिर सी बात है पैर में दर्द होगा तो सूजन भी होगा, स्ट्रक्चर चेंज है, जैसे लीजिए जैसे गठिया हो गया तो जैसे कि पॉलिप भी हो जाएगा, या आपका जैसे मान लीजिए कि कहीं चोट आ गई तो वहाँ पे क्या जाएगा, थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक तरह से आपका जो पैथोलॉजी जो है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीजेस, ठीक है, डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या हो जाएगा आपका, एनाटॉमी रिलेट कर दी, अगर डिजीज हो गया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर या उसके ऑर्गन के अंदर, बॉडी पार्ट्स के अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। मॉलिकुलर एनाटॉमी क्या होता है, डीएनए वीएनए के बारे में पढ़ते हैं, सब मॉलिकुलर एनाटॉमी। मॉलिकुलर एनाटॉमी में या मॉलिकुलर फिजियोलॉजी में मॉलिकुलर मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में जो आपका किसी भी जैसे डीएनए है, ठीक है, प्रोटीन है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, ठीक है। न्यूरो फिजियोलॉजी न्यूरॉन का फंक्शन, ठीक है, नर्व से न्यूरॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, हार्मोन इंडोक्राइन को क्या करते हैं, इससे हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हार्मोन क्या करते हैं बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंडो माने विद इन, क्राइन में सीक्रेशन, तो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये क्या होते हैं ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ये कहती है हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कार्डियो वेस्कुलर फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। कार्डियो माने, कार्डियो माने हार्ट, वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। इम्यूनोलॉजी मीन नो ससेप्टिबल वाइबल, मतलब कि आपका जो है जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है उनको क्या काजिन एजेंट है उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, पसना पासेज वे एंड लंग्स, पासेज वे में क्या क्या आता है, पैसेज वे में आपको क्या क्या आता है बताइए। हाँ बहुत सारी चीज़ें आती है, नोज है, नॉस्ट्रिल्स है, ट्राई किया है, ये सब आपके आते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। इम्यूनोलॉजी वही है, रेस्पिरेटरी, रीनल किडनी, वर्ड रीनल मीन्स किडनी, ठीक है, किडनी के बारे में क्या करेंगे, रीनल फिजियोलॉजी है तो रीनल किडनी का फंक्शन करना, ठीक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज मस्कुलर एक्टिविटी, फिजियोथेरेपी एक तरह से हो जाए, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी डिजीज कौन सा है बॉडी के अंदर चेंजेस के लिए डिजीज है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक बेसिक एनाटॉमी के ब्रांच के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनाटॉमी में जो है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर ऐसे कौन कौन से जगह होती है, उन जगह का क्या नाम होता है, टेक्निकल वर्ड होते हैं, ठीक है, आप थोड़ा जान के कंफ्यूज जाएंगे।
जैसे आपको पता होगा लैटरल क्या होता है, ठीक है, प्रोन पोजीशन क्या होता है, सुपाइन पोजीशन क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। हम लोग बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से बॉडी पोजीशन से रिलेटेड है, रीजन क्या है, कौन कौन सी जगह, उसका क्या पर्टिकुलर नाम हो सकता है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्या है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्या है। तो बॉडी पोजीशन से क्या होता है, बॉडी कौन सी पोजीशन में, कॉमन लैंग्वेज बेसिकली जो यूज होता है साइंटिफिक टर्म में, जैसे कि आपका है साइंटिस्ट और प्रोफेशनल जो कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताने के लिए उसको क्या बोलते हैं, बॉडी पोजीशन, ठीक है। बॉडी पोजीशन आपका जैसे अभी आते हैं क्या होता है, तो प्रोफेशनल हो गए और या फिर जो भी साइंटिस्ट हो गए, कौन सी पोजीशन को इंडिकेट करने की क्या वर्ड यूज कर, जैसे प्रोन पोजीशन मतलब कि फेस अगर तुम्हारा नीचे है झुका हुआ, प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन सुपर पीरियड ऊपर, ठीक है, कैसे याद कैसे करेंगे, प्रोन मतलब प्राण क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो आदमी ढीला हो जाता है, ढीला होने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे गिर गया, फेस नीचे गिर गया, प्रोन पोजीशन, सुपीरियर सुपाइन, ठीक है। सुपाइन कैसे याद करोगे, जैसे सुपीरियर से भी याद कर सकते हो, या सुपारी खाने किसी के ऊपर थ्रू दिया ऊपर लाइन कैसे आपका, ठीक है, ये जो आपका मैंने याद करा दिया था। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चलते हैं, अभी इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये नोट्स परचेस कर लीजिए, जो आपका चार सब्जेक्ट का नोट है हमारे पास, 1200 रुपये प्राइस है, मेन मेन सब्जेक्ट, ठीक है, आप उसको परचेस कर लीजिए, आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया, मतलब स्ट्रक्चर जो है आपका बढ़िया से इसमें ड्रा किया गया है, और ये आपको बता दूँ इस स्टैंडर्ड बुक से इसको करके मैंने बनाया है, ठीक है। तो फेस अगर फ्रंट साइड में, ठीक है, तो इसमें जो आपका सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, सुपाइन में देखो हेड में होता क्या, फेस माने क्या होता है, फेस माने क्या होता है बताओ, चेहरा बोलते हैं, चेहरे में क्या क्या होता है, तो आपको चीज़ें जो है ना थोड़ा डिफरेंट लगेगी, फेस माने क्या होता है, वो सब तो चेहरा होता है, तो बेटा चेहरे में जो है ना हेड आता है, हेड आता है, चेहरे में हेड आता है, आई आती है, माउथ होता है, वो रह जाता है, ठीक है, मतलब अच्छी करता है, ठीक है, अच्छी होती है। गर्दन क्या होती है, नेक माने क्या होता है, आपको पता है गर्दन सर क्या होती है, तो आपको समझ नहीं जाएगा, देखो इसका मतलब होता है कि जो हेड को क्या करता है सपोर्ट करता है, ठीक है, ये ट्रंक हो गया, ठीक है, सूंड होता है हाथी का, सूंड लंबा होता है, तो हाथी का सूंड जो लंबा होता है वह हेड को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, गर्दन, आपको मैं समझ नहीं आएगा कि हाथी में गर्दन कहाँ होती है, ठीक है। ट्रंक क्या होता है, तो अटैच ट्रंक, तो ट्रंक क्या होता है, ट्रंक जो होता है चेस्ट एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी को बोलते हैं, ठीक है, चेस्ट एब्डोमेन, चेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया, क्या बोलते हैं, चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी। अपर लिम्ब क्या होता है, अपर लिम्ब में बताइए क्या क्या है, अपर लिम्ब में क्या आएगा, हाँ अपर लिम्ब में जो शोल्डर आएंगे, ठीक है,
और ये मेरे अपने शोल्डर आएंगे, ठीक है, इसके अलावा जो है आर्म पिट आर, ठीक है, फोर आर्म, इसके अलावा जो है कलाई और हैंड, इसको क्या बोलते हैं अपर लिम, ठीक है। अब बात करोगे सर लोअर लिम में क्या होता है, लोअर लिम में जो है बटक आएगा, ठीक है, बटक कौन क्या होता है देख लेना एक बार स्ट्रक्चर, थाई ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लोअर लिम में क्या आएगा, मैंने बताया आपको ये चीजें बताई आपको, एंकल एंड फोर्स, ग्रोइन क्या होता है, ग्रोइन क्या होता है भाई, ग्रोइन आप देख लेना स्ट्रक्चर में, ठीक है, आप घर पे पढ़ लेना, एनाटॉमी में फिगर थोड़ा ऐसे हैं कि मुझे थोड़ा स्किप करना, आप लोग इसको क्या करना पढ़ लेना घर पे, टू लोकेट वेरियस स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड, फ्रंट क्या होता है, बैक क्या होता है, ठीक है, इंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है फ्रंटल क्या होता है, सिफैली खेड, ये सब आपको इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। रीजनल नेम सुपीरियर्स क्या होते हैं, सुपीरियर्स क्या होता है, सुपीरियर मीन्स होता है हेड की तरफ, ठीक है, और जैसे हार्ट इज सुपीरियर टू लीवर, एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि डिफाइन सुपाइन को जैसे व्हेन यू राइट द एग्जाम्पल, ऐसे लिखोगे तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। इंटीरियर मतलब अवे फ्रॉम हेड लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे इसका उदाहरण हो गया स्टमक इंटीरियर टू द लंग, एंटीरियर क्या होता है नियर, ठीक है, इंटीरियर में सबसे नियरर टू आर एट द फ्रंट ऑफ बॉडी, ठीक है, स्टर्नम ये बीच की हड्डी होती है, फेफड़े के बीच में एक पे हड्डी होती है, ये क्या होती है, ये हार्ट के पास होती है, इसका एक उदाहरण दे सकते हो। पोस्टीरियर मीन्स क्या होता है, बॉडी के पीछे, ठीक है, समझ गए, जैसे इसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्राइकिया, इसोफेगस इज द पोस्टीरियर टू द ट्राइकिया विंड पाइप, क्या क्या होता है, ठीक है, नियर टू द मिड लाइन, मीडियल मीन्स मिड लाइन, डिवाइड द बॉडी इन टू इक्वल राइटिंग मीडियल पार्ट्स, ये ट्रांजेंडर जो आपका सेक्शन है आपके बॉडी को पूरे अगर यहाँ से डिवाइड करें बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्ना रेडियो एंड अल्ना, लैटरल क्या होता है, फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन, ई से दूर, इंटरमीडिएट क्या होता है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द, जैसे ट्रांजर कोलन इंटरमीडिएट टू द असेंडिंग डिसेंडिंग कोलन, ये आपके बेसिक बेसिक टर्म होंगे, एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत सिंपल है टेबल में, थोड़ा कंसाइज मैनर में दिया है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इप्सी लैटरल क्या होता है, इप्सी लैटरल में तो इप्सी माने सेम होता है, ठीक है, वाल ब्लैडर और असेंडिंग कोलन में इप्सी लैटरल, कंट्रा ब्लैडर अपोजिट साइड, सेम साइड का अपोजिट होंगे, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलम ही कंट्रा कॉलम, प्रॉक्सिमल क्या होता है, प्रॉक्सिमल बताइए, प्रॉक्सिमल मीन्स क्या होता है, नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब ऑफ ट्रंक, नियरर टू द ओरिजिन ऑफ, दिस इज फॉर एग्जांपल समझ, जैसे ट्रंक के पास होता है, पास होता है ह्यूमर, जैसे आर या ह्यूमरस प्रॉक्सिमल होती है, ठीक है, डिस्टल क्या होती है, दूर की होती
कन्वेंशन आर डिजिटल टू द कार्पल, ठीक है, कार्पल मेटा कार्पल, या पढ़ेंगे वृष्ट की गोल होती है, ठीक है। कलेंजस क्या होती है?